हेलो दोस्तों, अभी हम अपने होटल में हैं। कल चढ़ाई करने के बाद आज हम बहुत थक चुके थे, इसलिए सुबह थोड़ा देर से उठे। अभी बज रहे हैं 2 और हम जा रहे हैं यहाँ पे कटरा की मार्केट। ब्लॉग को लाइक करते चलिएगा। चलिए चलते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, हम सभी लोग कटरा मार्केट में पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कटरा मार्केट में बहुत ही बेहद व्यू दिख रहा है। और दोस्तों, मैं पहले बता दूं आपको, अगर आपने अभी तक वैष्णो देवी ट्रिप वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उस ब्लॉग को जरूर देखिए, क्योंकि आप लोग रील्स देखने के लिए समय निकाल लेते हैं, परंतु माता के दर्शन के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज हमारा कटरा में आखिरी दिन है और आज हम यहाँ से जा रहे हैं सेकेंड ट्रिप पर, यानी कि आज हम शिवकोड़ी और इसी तरह 5-6 जगह है वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो हमारी बस बुक हो गई है, अब हम जा रहे हैं बस से घूमने। कुछ ही देर में 9 देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। सब लोग बस में बैठे हैं, रास्ते को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और इस ब्लॉग को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, वैष्णो देवी ट्रिप वाला ब्लॉग जरूर देख लीजिएगा। अभी हम आ चुके हैं जो कि हमारा पहला पॉइंट है, 9 देवी मंदिर। और आप देख सकते हैं सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं मंदिर में, और जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक आपको वीडियो देखने को मिलेगी। 2 सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पे मिले हैं, इनसे मिलिए। सुभांग, हम आपका चैनल हमेशा से देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। थैंक यू। दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। देखिए, इतनी लंबी सीढ़ी थी, आगे कैमरा अलाउड नहीं था तो फिर ज्यादा वीडियो नहीं बन पाई है। चलते हैं हम अपने फिर से बस में, फिर वहां से हम जाएंगे शिवकोड़ी। सभी लोग जा रहे हैं शिवखोड़ी, 9 देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी जा रहे हैं। शिवखोड़ी पहुंचने में यहाँ से थोड़ा टाइम भी लगेगा और रास्ते को एंजॉय करते हुए हम सभी लोग जा रहे हैं। आप भी इन रास्ते को एंजॉय करिए। दोस्तों, शिवखोड़ी मंदिर से 3 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक बस स्टॉप है, यहीं तक ही बस जाती है। इसके बाद हम ऑटो से जाएंगे शिवखोड़ी मंदिर तक। फाइनली दोस्तों, हम इतने देर का रास्ता तय करने के बाद शिवखोड़ी टेम्पल पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं शिवखोड़ी मंदिर का ये मेन गेट है, यहाँ से ही मेन मंदिर का रास्ता है। तो हम पहले अपना कार्ड गेट से अंदर जाएंगे और शंकर जी का दर्शन करेंगे। शिवखोड़ी में दर्शन करने के बाद वापस हम कटरा जा रहे हैं। शिवखोड़ी में भी मोबाइल लॉकर में सबमिट हो गया, इसलिए मैं आगे की सीन ज्यादा नहीं शूट कर पाया। तो उसके बाद दोस्तों, वापस आते आते रात हो गई थी, इसलिए हम जा रहे हैं वापस कटरा। कटरा से हम फिर जाएंगे जम्मू। जम्मू में भी 2-3 जगह है, वहाँ हम घूमेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।
दोस्तों हम लोग रात में 3 बजे जम्मू पहुंच चुके थे। जम्मू पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा सीन भी शूट कर पाया और मैं बहुत थक भी चुका था। तो जल्दी से हम यहाँ पर अपना रूम बुक किए थे, 3 बजे पहुंचते ही अपने रूम में गए और वहाँ सो गए। सुबह उठते ही हम लोग यहाँ रघुनाथ टेम्पल आ गए। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे जम्मू शहर में लास्ट दिन है, तो आज हम आए हैं रघुनाथ मंदिर में। आप सारे व्यू देख रहे होंगे, सारे वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो पार्ट 1 में हमने वैष्णो देवी मंदिर में यात्रा की, तो उसको पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ये हमारे ब्लॉग का पार्ट 2 है, यहाँ पर हम श्री रघुनाथ मंदिर में दर्शन करने आए हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ रघुनाथ मंदिर में रामायण में जितने भी करेक्टर थे सभी लोगों की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हैं। आप लोग देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी और भगवान विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं सभी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित की गई हैं। दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हैं 33 करोड़ देवी देवता पिंडों के रूप में विराजमान है। इसी तरह पिंडों के रूप में भूरी मंदिर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, तो आप लोग इनके दर्शन जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों हम सभी लोग रघुनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद जम्मू मार्केट घूमे, क्योंकि हमारे 3 घंटे बाद ट्रेन थी तो हमें वापस हल्द्वानी जाना था, तो इसलिए जल्दी से जम्मू मार्केट में शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद शाम को हमारी ट्रेन थी तो हम स्टेशन के लिए रवाना हुए। तो आप लोग भी जम्मू मार्केट का खूबसूरत नज़ारा देखिए। यहाँ पर मैंने अपने लिए एक प्लास्टिक का बैट भी लिया। जम्मू को बाय बाय करते हुए हम आ गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कि हमें हल्द्वानी तक छोड़ेगी, तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के अंदर बैठने। ये देखिए दोस्तों हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और कल दोपहर में हम पहुंचेंगे हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में 2 दिन घूमने के बाद अब हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं मिनी ब्लॉग जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं लॉन्ग ब्लॉग को खत्म करेंगे। तो अपने घर हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये ट्रेन हमें लखनऊ तक छोड़ेगी। लखनऊ हम सुबह पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं लखनऊ स्टेशन का नज़ारा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जम्मू मार्केट दिखाया, कटरा मार्केट दिखाया, जम्मू स्टेशन देखिए, आप शिवखोड़ी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, बहुत सारा चीज़ आपने इस वीडियो में देखा। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शायद ही यूट्यूब पर किसी वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक साथ दिखाया जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।